और दोस्तों कैसे आप सभी, तो आज देखेंगे 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज़। सो जनवरी 2023 में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है? अगर आप 5G रेडी स्मार्टफोन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली 5G रेडी लेना फ्यूचर प्रूफ बनता है और बहुत ही बेटर फोन्स भी अभी मिल रहे हैं इतने प्राइस रेंज में। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कौन से बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं अंडर 20,000 रुपीस। तो सबसे पहला मैं रेकमेंड करूंगा सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M33 5G। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है क्योंकि इसमें 5 नैनोमीटर का लेटेस्ट फ्रॉम सैमसंग चिपसेट यूज़ किया गया है, तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है आपको इतने प्राइस रेंज में। एंड इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी भी मिलता है, तो बेस्ट बैटरी बैकअप एंड बेस्ट परफॉर्मर देख रहे हैं तो सैमसंग M33 5G है। इसमें कैमरा की बात करें तो स्टैंडर्ड कैमरा सेटअप है, क्वाड कैमरा सेटअप ये बता रहा है, लेकिन इसमें मुझे जस्ट मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है वही काफ़ी लगता है। ये जो बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो या फिर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है एंड 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा काफ़ी है। एंड 6.6 इंच का आपको 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि एमोलेड नहीं है। अगर आप एमोलेड डिस्प्ले देख रहे हैं तो रेडमी का आता है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, विच इज सेकेंड रिकमेंडेशन। पहले से हम देख रहे हैं इस सीरीज को, तो इसमें खासियत यह है कि 67 वाट्स का टर्बो चार्जर मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, विच इज अमेजिंग फॉर द प्राइस रेंज, क्योंकि इसका डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। हाईली रिकमेंडेड फोन है, अराउंड 19,000 रुपीज में आपको ये 6GB 128GB रैम वाला मिल जाता है। एक ही मुझे अच्छा नहीं लगता इस रेडमी का जो है कि वीडियो क्वालिटी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता है एंड पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। ऑब्वियसली इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाया है। दूसरा नेगेटिव मुझे इसका लगा कि स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, विच इज़ एंट्री लेवल 5G प्रोसेसर है, तो मुझे इतना लाइक अमेजिंग नहीं लगा एज कम्पेयर टू द सैमसंग M33। उसमें लेटेस्ट एक्सिनोस प्रोसेसर लगाया गया है, विच इज़ बेटर परफॉर्मर दैन दिस रेडमीज फोन। अभी वेरी सून रेडमी नोट 12 प्रो प्लस आ रहा है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस जो है इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो एक 19-20,000 रुपीज़ में, क्योंकि इसका प्राइस अभी बहुत ही कम होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट चॉइस रहेगा। तो अगर आप एक फंकी लुकिंग मोबाइल देख रहे हैं तो पोको की तरफ से है, तो पोको फैंस भी बहुत सारे हैं क्योंकि वेरी पॉपुलर रहा था पहले, अभी जो है वो रेडमी का प्रीटी मच एवरीथिंग कॉपी कर रहा है। तो पोको X4 प्रो 5G यहाँ पर आपको मिलता है, अगेन 67 वाट्स चार्जर है इसमें, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिलता है विद 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, तो सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है स्टैंडर्ड फ्रॉम पोको, अगेन प्रीटी मच पिक्चर क्वालिटी ऑन पार विद द रेडमी रहेगा। एंड इसमें यूनिक बात यह है कि 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट देता है आपको, गेमिंग के लिए 5000 mAh का बैटरी भी है। तो एक गेमिंग फोन देख रहे हैं, फंकी फ्लैशी लुकिंग देख रहे हैं, तो गो फॉर दिस पोको X4 प्रो 5G। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मोबाइल की तरफ, ये है वेरी पॉपुलर फ्रॉम Realme। तो यहाँ पर दो मॉडल्स है Realme का, एक तो 9 SE है, तो Realme 9 5G SE विच इज़ अ स्पीड एडिशन, अमेजिंग है क्योंकि इसमें आपको 778G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है एट दिस प्राइस रेंज। आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देख रहे हैं तो यही है Realme का 9 SE। तो स्पीड एडिशन का आप लीजिए 5G फोन। एंड बैटरी बैकअप जो है आपको 5000 mAh का स्टैंडर्ड बैटरी बैकअप मिलता है, 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, ना कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले। पोको में रेडमी में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। तो Realme की तरफ से ही 10 Pro 5G जो लेटेस्ट फोन है वहां पर आपको मिलता है, लेकिन वहां पर Qualcomm Snapdragon 695 का यूज किया गया है, डाउनग्रेडेड वर्जन देन दिस 778 5G। तो ये बहुत ही बेटर प्रोसेसर है, गेमिंग फोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली बाय कीजिए 778G प्रोसेसर वाला या Realme 9 Pro स्पीड एडिशन। सो मूविंग ऑन, Motorola की तरफ से भी G62 5G का है, बेटर स्मार्टफोन है, तो Motorola फैंस बहुत सारे हैं, तो Motorola की तरफ से मोबाइल देख रहे हैं तो G62 5G आपका बन सकता है अराउंड 19,500 रुपीस। तो ये डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, इनका कैमरा प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू अदर फोन्स, तो इसीलिए एक हैवी फोन देख रहे हैं विद लार्ज डिस्प्ले तो डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटो G62 5G। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा सैमसंग की तरफ से M33 5G बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एक्सिनोस प्रोसेसर है और 6000 mAh बैटरी है एंड इवन कैमरा भी बेटर है उसमें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, कौन सा फोन आप ले रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड हिट दैट लाइक बटन आपको हेल्पफुल रहा वीडियो तो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।